हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ दीक्षा ऐप के बारे में। दोस्तों, 10 जुलाई 2020 से शिक्षकों के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा ऐप जो दीक्षा है उसी के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से दीक्षा ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन व लॉगिन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ प्ले स्टोर, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पर यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ऐसी कुछ स्क्रीन आपको प्रदर्शित होगी। आप यहाँ टाइप कर देंगे दीक्षा ऐप और यहाँ आप सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करते हैं, फर्स्ट रिजल्ट आपको यहाँ इस प्रकार का यहाँ लोगो प्रदर्शित होगा। NCERT MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऐप है। इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आप दोस्तों इंस्टॉल जो आपको ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है, इस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड परमिशन अलाउ कर देता हूँ। ये ऐप आपका यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, जैसे ही आपका दीक्षा ऐप डाउनलोड हो जाता है, ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित होगा ओपन का। आप देख सकते हैं जहाँ मैंने यहाँ एरो मार्क किया है, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ओपन कर लेंगे ऐप को। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपसे यहाँ पर लैंग्वेज परमिशन मांगी जाती है, किस प्रकार की लैंग्वेज आप यहाँ चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेज आप यहां प्रीफेयर करते हैं उस पर आप यहां क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहां पर इंग्लिश कर देता हूं। जैसे ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यहां कंटिन्यू का टैब आपको मिलेगा। आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके पास में ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप क्या हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर कोई अदर पर्सन हैं, सिटीजन हैं। तो इसके लिए यहाँ, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं यहाँ टीचर्स के लिए लॉगिन प्रोसेस बता रहा हूं, तो यहां मैं टीचर के लिए क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप यहां टीचर के लिए क्लिक करेंगे, यहां सेलेक्ट बोर्ड का आपके सामने ऑप्शन प्रदर्शित होता है। आप सेलेक्ट बोर्ड जो है, इसके अंदर आप अपना जो बोर्ड है आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहां स्टेट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर लूँगा। सबमिट कर देंगे आप। जैसे ही आप यहां सबमिट करते हैं, मीडियम आपसे पूछा जाएगा। जो भी मीडियम आपका यहां रहता है, आप उसी मीडियम के आगे बने चेकबॉक्स में यहां आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे चेकबॉक्स में, आप सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। सबमिट टैब पर क्लिक करते ही यहां आपके सामने ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं क्लास के। आप देख सकते हैं दोस्तों, सेलेक्ट क्लास का यहाँ आपके सामने प्रदर्शित ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लासेस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप जो आपको दोस्तों सबमिट जो आपको यहाँ टैब दिखाई दे रहा है राइट साइड कॉर्नर में, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे सबमिट पर। दोस्तों, इसके बाद में नीचे की तरफ जो ब्लू आइकन आपको प्रदर्शित हो रहा है, कंटिन्यू टैब, आप इस पर यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। एक बार यहाँ दोबारा आपसे लोकेशन के लिए, आपसे यहाँ स्टेट जो है फिल करने के लिए बोला जाता है, तो ये जो है ऑटो फिल आता है। डिस्ट्रिक्ट जो है इसको आप यहाँ फिल कर देंगे। यदि आपकी लोकेशन यह सही ट्रेस नहीं कर पाता है, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप सबमिट टैब पर यहाँ क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये पॉपअप मैसेज यहाँ दीक्षा ऐप की ओर से लाइब्रेरी का प्रदर्शित हुआ है, आप इसको क्लोज कर देंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में एक ऑप्शन प्रदर्शित होता है, आप देख सकते हैं, जहां मैंने यहां राउंड किया है प्रोफाइल का। आप यहां इस प्रोफाइल जो आपको ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है, आप इस पर यहां क्लिक करेंगे। क्योंकि आपने यहां दीक्षा ऐप में तो प्रवेश कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने प्रोफाइल जनरेट नहीं की है, तो इसके लिए आप यहां गेस्ट जो वन है, इसकी जगह यहाँ आपको एडिट करना रहता है। आप यहाँ सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। ये जो पर्सनल डिटेल्स आपकी जो हैं, इसके लिए आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले आप यहां एडिट कर देंगे गेस्ट। यहां आप सब्जेक्ट्स जो है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहां साइंस से बिलोंग करता हूं, तो यहां मैंने साइंस के आज चेकबॉक्स पे क्लिक कर दिया है, सबमिट कर दूंगा। इसके बाद में आप यहां गेस्ट जो है, इसकी जगह आप अपना नाम जो है फिल कर देंगे। जैसे मैं यहाँ मेरा नाम जो है फिल कर देता हूँ, आप सेव टैब पर यहाँ क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका नेम यहाँ सेलेक्ट हो चुका है। अभी आप यहां लॉगिन जो आपको टैब प्रदर्शित हो रहा है, आप देख सकते हैं ये लॉगिन जो एरिया है,
इस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये आपको एक्सटर्नल लिंक पर लेकर जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ प्रदर्शित होगा। यहाँ पर आप राजस्थान स्टेट से हैं तो आप यहाँ लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं एक बार विंडो यहाँ रिफ्रेश होगा। यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक पर आपको सेलेक्ट योर स्टेट ऑप्शन प्रदर्शित होगा। यहाँ आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सिर्फ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान स्टेट ही ऐसे हैं जो स्टेट के द्वारा आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं आप यहां सबमिट, जो आपको यहां ग्रीन टैब प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप यहां क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहां क्लिक करेंगे एक बार दोबारा यहां विंडो रिफ्रेश होगा और आपको एक्सटर्नल वेबसाइट राज रमसा, जो अपनी साला दर्पण जो वेबसाइट है, उसके स्टाफ लॉगिन पैनल पर यहाँ ले जाएगा। यहाँ आपको स्टाफ लॉगिन आईडी जो है वह है एंटर करनी रहती है। आप यहाँ पर अपनी आईडी एंटर कर देंगे, जिससे मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। यहाँ आप पासवर्ड एंटर कर देंगे। यहाँ आप जो कैप्चा प्रदर्शित हो रहा है उसको एंटर कर देंगे। ध्यान रखें दोस्तों कैप्चा कैश सेंसिटिव है, आप यहाँ स्मॉल और कैपिटल लेटर का ख्याल रखेंगे। और आप लॉगिन जो आपको टैब प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे यहाँ क्लिक करते हैं यहाँ इस प्रकार का स्क्रीन प्रदर्शित होगा। ये एरिया यहाँ रहता है जिसके अंदर आपको मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने हैं। आप सबसे पहले यहाँ अपने मोबाइल नंबर जो है प्रविष्ट कर देंगे। मैं यहाँ मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर देता हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर आप प्रविष्ट कर देंगे आप यहाँ ये जो आपको चेकबॉक्स प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप यहाँ राइट क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सबमिट टैब काम करना शुरू कर देगा। आप यहाँ सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट टैब पर क्लिक करेंगे आपके पास में OTP एंटर करने के लिए ऑप्शन यहाँ प्रदर्शित होगा। यदि आपके पास में OTP यहाँ प्राप्त नहीं होता है तो आप OTP को रीसेंड कर देंगे। आप यहाँ OTP जो है एंटर कर देंगे। आप जो सबमिट OTP है उस पर यहाँ क्लिक कर देंगे। आपको टैब प्रदर्शित हो रहा है सबमिट OTP, आप यहाँ इस टैब पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ क्लिक कर देंगे यहाँ आपकी जो आईडी है क्रिएट हो जाएगी। एक बार दोबारा आपसे यहाँ सेलेक्ट बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पूछा जाएगा। आप यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन प्रदर्शित होगा इसलिए आप इजीली इसको यहाँ सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे यहाँ बोर्ड नेम मीडियम आपको यहाँ फिल करना रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ मीडियम रहता है, स्टार लगा हुआ है, मीडिएटरी फील्ड है, आपको फिल करना ही होगा। आप चेकबॉक्स पे यहाँ ओके करेंगे। इसके बाद में सबमिट टैब पर यहाँ क्लिक कर देंगे। अभी आप यहाँ क्लास सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ मेरी क्लास सेलेक्ट कर देता हूँ 678 और सबमिट टैब पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में आप यहाँ सेव जो आपको ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। आपका डेटा जो है यहाँ सेव हो चुका है। अभी दोस्तों आप यहाँ ट्रेनिंग के लिए यदि देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आपको लेफ्ट साइड से जो सेकंड ऑप्शन यहाँ प्रदर्शित हो रहा है आप देख सकते हैं ट्रेनिंग, यहाँ पर आप इस ट्रेनिंग पर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं माई स्टेट कोर्स। तो दोस्तों ये था अपना दीक्षा ऐप को लेकर वीडियो कि किस प्रकार से आप यहाँ दीक्षा ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके बाय।